नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्यहिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों को रौंद दिए जाने की लखीमपुर खीरी की घटना के खिलाफ कांग्रेस जबरदस्त ढंग से मुखर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। प्रियंका गांधी इस मामले को पूरी ताकत के साथ उठा चुके हैं। राहुल और प्रियंका लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। कांग्रेस के अलावा किसानों ने भी पूरी मजबूती के साथ इस मामले में बीजेपी पर हमला बोला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में अफगान क्षेत्र को कट्टरता और आतंकवाद का स्रोत बनाने से रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। वह मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफगानिस्तान पर G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रेगी ने यह सम्मेलन आयोजित किया था। कोरोना महामारी के चपेट में आई भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ रही है और अगले साल तक इसके दुरुस्त होने की पूरी संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% की दर से बढ़ सकती है। IMF ने मंगलवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया। इसे IMF और विश्व बैंक की बैठक के पहले जारी किया गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में CNG और PNG के दाम बढ़ा दिए हैं। दोनों की नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक CNG और PNG 2 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है। राजधानी दिल्ली में आज से CNG 49.76 रुपए प्रति किलो और PNG 35.11 रुपए प्रति SCM की कीमत पर मिलेगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG 56 रुपए से अधिक और गुरुग्राम में 58.20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। 10 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब PNG की कीमत बढ़ाई गई है। 1 अक्टूबर को CNG की कीमतों में 2.28 रुपए और PNG के दरों में 2.10 रुपए की वृद्धि की गई थी। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगले चुनाव में बाबा मुख्यमंत्री और उनका बुलडोजर दोनों ही नहीं रहेंगे। अखिलेश ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी जाएगा। वो मुख्यमंत्री बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन किताब के विमोचन के दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान गए मुसलमानों का वहां कोई सम्मान नहीं है। भारत में एक उदार संस्कृति है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये संस्कृति हमें एक साथ बांधती है, ये हिंदू धर्म की संस्कृति है। सावरकर ने लिखा था कि कैसे हिंदू राजा का भगवा झंडा और नवाब का हरा झंडा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ खड़ा था। भागवत ने सावरकर का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद एकता के बारे में है, भले ही देश में अलग अलग धार्मिक प्रथाएं हैं। भारत में पिछले एक दिन में 15,823 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 22,844 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2,07,000 से अधिक है और देश में अभी तक 96,43,79,000 से अधिक कोरोना टीका की खुराक लगाई जा चुकी है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी। बता दें, भारत में खेले गए पहले फेज में खराब प्रदर्शन के बाद कोलकाता की टीम ने शानदार वापसी की है और दिल्ली की टीम लगातार इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्यहिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।